सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजग्र प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्री प्रभुपाद को किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है, भगवान किसके वस्तु द्रव्य को ग्रहण करते हैं? हम तो भगवान बहुत बहुत कुछ चीज देते हैं, लेकिन वास्तव रूप में ठाकुर जी किसकी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, जिनी भगवान के डाकिया खावाया ते पारे तार द्रव्य ही भगवान खाए, ताके डाकते ही से सकल पारे ना, ताके डाकते ही जे सकल पारे ना, सुतरा मुखावे की करे। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान उन्हीं की वस्तु को ग्रहण करते हैं जो वास्तव रूप में हृदय से जो भगवान को बुला सकते हैं, क्योंकि जो भगवान है वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उनकी किसी चीज की कमी नहीं। ऐसे नहीं हम खिलाने पर ही ठाकुर भोजन करेंगे, अगर हम नहीं खिलाएंगे तो ठाकुर भोजन नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो है। भगवान की अनंत करोड़ों भक्त अनंत धाम में अनंत ब्रह्मांड में कितने ठाकुर जी की भक्त है, है? कितने भक्त ठाकुर जी को खिलाना चाहते है, लेकिन कहते भगवान उन्हीं की वस्तु को ग्रहण करेंगे जो सचमुच से हृदय से भगवान को पुकार करके बुला करके खिला सकते हैं। जैसे सबरी ठाकुर जी ने झूठा बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगा, कहते दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान दुर्योधन सोच रहा था कृष्ण तो ग्वाला गैया चराया करते थे, वो तो इतने बढ़िया बढ़िया मालपुआ पकवान खाए नहीं होंगे, इसलिए उनको मैं खिला पिला के खुश कर दूंगा। इसलिए उसने पहले से ही बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया अन्न व्यंजन पहले से ही बना करके लाए, प्रस्तुत करके रखा था। जब कृष्ण आए बोले देखो मैं पंच पांडवों का दूध बन करके आया हूँ, ये लास्ट मेरी बात है। कहते पंच पांडवों को किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल उनको पांच गांव दे दो, वो पांच गांव में ही संतुष्ट रहे और पूरे राज्य को तुम लोग वो करो। दुर्योधन ने कहा बगैर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ, तो पांच गांव की बात करते हो। कृष्ण ने कहा तेरे को पता है युद्ध क्या होता है?
बोले मैं सब जानता हूँ, हमको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। इतने में दुर्योधन सोच रहा था अभी कृष्ण के लिए बढ़िया बढ़िया है खाना बनाए, कृष्ण को खिला दे। ये खाना ऐसे की चीज है ना, आप कुत्ते को एक बार खिला दो ना, जो कुत्ते तुमको भूखता रहता है एक बार केवल उसको कुछ रोटी खिला दो, आप देखना कभी तरह भूखेगा नहीं। वो देखते ही ना पूछ हिला करके प्यार में है लोट पोट खाने लग जाएगा। ये खाना ऐसे की चीज है, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन है। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं विषैर अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन हैले मन ना है कृष्ण स्मरण। कहते अगर विषय व्यक्तियों का अगर अन्न ग्रहण करते हैं, जो दिन भर विषय में माया में रचे बचे हुए व्यक्ति है, जिनको भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, अगर वह वस्तु का अगर हम ग्रहण करते हैं उसको क्या होगा, जो मन है मैला हो जाएगा है। पर मन अगर मैला हो जाएगा तो फिर क्या होगा, भगवान का स्मरण ही नहीं होगा, ठाकुर जी की स्मरण नहीं होगा। इसलिए वो सोच रहा था भगवान को खिला पिला कर खुश कर दूंगा, बस ठाकुर मेरा हाथ में मुट्ठी में आ जाएगा, मैं जैसे बोलूंगा वैसे होगा। बोले चलो पहले इस बात रखो, पहले भोजन करके आओ। कृष्ण ने कहा देखो एक व्यक्ति तीन जगह पर भोजन करता है, कहाँ कहाँ पर भोजन करता है। पहला नंबर है अगर कोई बहुत ज्यादा मित्र हो ना, उसको घर में गए भैया तेरे खाना पड़ेगा, बहुत प्यारा दोस्त है, इसलिए क्या करते प्रेम से खा लेते क्योंकि मित्र है। दुर्योधन ने कहा मैं क्या आपका मित्र नहीं? बोले नहीं। बोले कैसे? कहते मेरे भक्तों का जो मित्र है ना वो मेरे मित्र है, और मेरे भक्तों का जो शत्रु वो मेरे शत्रु है। इसलिए पंच पांडव मेरे भक्त है, चूंकि तुम उनका मित्र नहीं इसलिए तुम मेरा मित्र नहीं। दूसरा जगह पर कहाँ खाते हैं? अगर आप जिस काम के लिए आप गए हो अगर वो तुम्हारी वो काम बन जाता है, क्या सोचते भैया काम बन गया, अपना काम बन गया, भोजन कर लो, भोजन कर ले। मैं जिस काम के लिए आया वो काम ही नहीं बना। तीसरा जगह पर कहाँ भोजन करते हैं? कहते जहाँ भूख लगे है, जब भूख किसको लगता है ना। बोले भैया जल्दी जल्दी रोटी लाओ, अगर भूख नहीं होगा ना। बोले आज क्या बनाया है, क्या बनाया है, मन पसंद चीज हुआ तो खाएगा, अगर जब भूख लगा ना वो देखेगा कि क्या बनाया नहीं बनाया। बोले जो हो उसको ले आ, भूख लग रहा है। इसलिए भगवान कौन है? बोले वो आत्मा राम, वो आप तो काम है, उनको कोई भूख है ही नहीं है, वो तो पूर्ण है, उनको तो भूख किस चीज की है ही नहीं। इसलिए कहते मैं फिर भोजन नहीं करूँगा। बोले तूने बताया नहीं क्यों? पहले मैंने स्पेशल स्पेशल मिस्त्रियों को बुला करके तेरे लिए छापान भोग छात्र व्यंजन मैंने हैं एकदम स्पेशल मैंने भोजन बनाया, तुमने बताया नहीं क्यों? पहले हमने इतने बेकार क्यों तुम्हारे लिए खाना बनाया है। इसलिए इतने में दुर्योधन ने कहा बंदी बनाओ इसको, इसको बंदी बना। बोले मेरे को बंदी बनाओगे? बोले हाँ। इतने में भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप दिखाया है, विराट रूप दिखाया। फिर कृष्णा कहाँ गए? विदुर जी को घर में गए, और वहां पर तो जाते ही विदुर था नहीं, घर थी विदुरानी, घर में विदुरानी थी। भगवान मेरे घर में कभी सोच नहीं सकते हैं, भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक मेरे जैसे गरीब घर में आए, ये तो कभी सोच भी नहीं सकती मन में। कहाँ भगवान बैठा है, कहाँ आसन दे, तो बावरी बनी गई। पर भगवान किस तरह से बैठाया, बैठा कर क्या खिला रही थी, केले का छिलका खा रही थी, खिला रही थी, और केले की केले फेंक रही थी। जब विदुर आया बोले पावरी तू क्या कर रहे हो, तो छिलका खिला रहे हो, तो विभोर होकर खिला रही थी, उसको तन मन की कोई सुधु ही नहीं थी। जब उनका केले खिलाने लग गया ना, कृष्ण ने कहा विदुर जी पहले केले के छिलका में जो स्वाद आ रहा था अभी वो केले में स्वाद नहीं आ रहा। मैं केला भी नहीं खाता हूँ, केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, क्या खाता हूँ? केवल मैं प्रेम ही भोजन करता हूँ, प्रेम की ही भूखे प्रभु, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से जो भजन करे प्रेम से बड़ा पार है। इसलिए प्रेम, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान किसके वस्तु ग्रहण करते हैं? बोले भगवान उन्हीं की वस्तु ग्रहण करते हैं जो भगवान को खिला सकते हैं, भगवान को जो खिला सकते हैं उनकी वस्तु भगवान ग्रहण करते हैं, हैं? इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, कहते पत्रम पुष्पम फलम द्वयम् जो मैं भक्त्या प्रजचति तद अहम भक्त परहित अस्नामि प्रजतात्म। वहां कहते हैं भगवान मेरे को, भक्त मेरे को पत्र पुष्प फल
जो ये वस्तु हमको प्रदान करते हैं, यहाँ पर उनने चार चीज का नाम लिया है, पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल और पानी। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं भगवान ने जो चार चीज का नाम लिया ना, जो बिना पैसा मिलता, इस चीज को कोई पैसा दे खरीद के नहीं करते। अभी तो खरीदी करना बड़ा लिया, पहले इसको कोई पानी को थोड़ी कोई खरीदी करते थे, हैं? कोई पत्ते को थोड़ी कोई खरीदी करते थे, फूल को कोई नहीं खरीदी करते थे, फल को कोई नहीं खरीदी करते थे। पहले इतने होता था, मैंने देखा अपना घर में इतने केले होता था, इतने केले होता था, चिड़िया खा जाते, पता नहीं चलता था कितना केला पक गया और चिड़िया खा रही, नारियल सूख करके नीचे गिर जाता था। और आम जब होता था, हैं, सब गांव के लोग आकर सवेरे सवेरे आकर के आम उठा उठा कर ले जाते थे। मतलब गांव में इतनी चीज गांव में हुआ करता था, इतना चीज है। इसलिए पहले ये सब चीज फल फूल पानी कोई खर्च नहीं करता था, है? इसलिए यहाँ चार चीज युवा यहाँ पर नाम लिए, कहते भक्त अगर मेरे को भक्ति पूर्वक ये चार चीजों में कोई एक चीज अगर हमें प्रदान करता है, क्या करता है, कैसे? बोले भक्ति को द्वारा, ऐसे नहीं, भक्ति को द्वारा अगर मेरे को कोई वस्तु प्रदान करता है, मैं वह वस्तु को मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए तब जो भगवान को खिला सकते हैं, भगवान उसकी हाथ का वस्तु ग्रहण करते हैं, ताकि डाकते ही जे सफल पारे ना, मतलब उसको जो हृदय से पुकार नहीं सकता है, सुतराम खावा ही वे की करे, मतलब जो उनका हृदय से पुकार नहीं सकता है, बुला तब भगवान को खिलाएगा किसे? जो उनको बुला सकता है हृदय से, तब भगवान तो उसका वस्तु ग्रहण करेंगे ना। इसलिए कौन अभक्त पंडित भगवान के भोग दिले हो, भगवान तार मंत्र भूत प्रदत्त नैवेद्य ग्रहण करे ना। है, अगर कोई सोचे कोई अभक्त हो लेकिन बड़ा पंडित है, बड़ा विद्वान है, संस्कृत में धुरंधर है, लेकिन वो अभक्त है, वो भक्त नहीं, लेकिन बड़े मंत्रविद, बड़े विद्वान पंडित, यहाँ पर कहते हैं उनको भोग देने पर भी भगवान मंत्रभूत, बड़े अच्छे अच्छे मंत्र जानता है, बढ़िया मंत्र से भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी उसका वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले उसके हृदय में भगवान के प्रति भावना नहीं, प्रेम नहीं उसके हृदय में, भक्ति उसके हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान मंत्र को द्वारा वशीभूत नहीं, भगवान प्रेम से वशीभूत होते हैं, भगवान प्रेम से वशीभूत होते हैं। जैसे जैसे हमारे श्री सनातन गोस्वामी जब मथुरा में जाते थे, चौबीन थी, वो ठाकुर को खिलाया करते थे, कैसे? इधर दांतन करती है, दूसरे दांतन तरफ में खिचड़ी चलाती है, और ठाकुर जी उसको खाना खाते। सनातन गोस्वामी एक दिन देखे, बोली क्या कर रहे हो? अभी तो बिस्तरा से उठे, अभी बासी कपड़ा भी तुमने छोड़ा नहीं, स्नान भी नहीं किया, और तुम खिचड़ी बना रहे हो, और इधर दांतन कर रहे हो, पीछे से खिचड़ी चला रहे हो, ठाकुर कैसे भोग लगाते हैं? अरे पहले नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके, तिलक लगा करके, मंत्र करके, उसके बाद में कलछी से खिचड़ी चलाओ, शुद्ध होकर के बनाओ, तब तो भगवान भोजन करेंगे। बोले बाबा हम तो मूर्ख आदमी, हमको कुछ तो आता है ही नहीं, इसलिए जैसे होता है वैसे कर देता हूँ। बोले कल से करूंगा। जब दूसरे दिन आए, पहले तो आटा बात हम उठा नहीं, नहा फटाफट नहा लो और बनाओ, पहले जंगल में जाओ बाथरूम के लिए, स्नान के लिए यमुना में जाओ, है? पहले घर में तो कोई थोड़ी नहाते थे, यमुना में नदी में किसी तालाब में नहाया करते थे पहले। वो गए इधर सनातन गोस्वामी रोज जाते हैं, जब सवेरे आए ना, देखा ठाकुर बैठे बैठे रो रहे, बोले मैया भूख लग रहा है, मैया भूख लगा रहा है, मैया मेरे को खिचड़ी खिला दो, मैया मेरे को भूख लग रहा है, रो रहे ठाकुर जी, है? ठाकुर जी रो रहे थे। इतने में सनातन गोस्वामी ने देखा, आज कहाँ पवित्र होकर के शुद्ध रूप में ठाकुर जी को खाना खिलाएगी, लेकिन आज ठाकुर जी रो रहे, मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को भोजन करवाओ, लेकिन रोज जैसे तैसे खिलाती थी, हाँ, दांतन करती थी, खिचड़ी चलाती थी और खिला देती थी, हैं? लेकिन ठाकुर जी उसी में ही खुश थे। सनातन गोस्वामी उसको बुला करके बोले, देखो तुमको और नहाने का कोई जरूरत नहीं, पहले जैसे भोग लगाते थे ना, प्रेम से ऐसे भोग लगा, ठाकुर उसी में ही खुश, क्योंकि वो भगवान को क्या मानते हैं? बेटा, अगर बेटे को भूख लगा, मैया अभी स्नान नहीं किया, बेटे को भूख लग रहा है, बेटा खाना खाने के लिए तरस रहा है,
मैया सोचे कि नहीं, नहा धो करके पवित्र होकर के मंत्र जप करके तब तो बेटे को खाना खिला के सोचती है, और जो होता है ना वही ला करके बेटे को दे देती है, जिसी अवस्था में जिसी कपड़े में हो उसी कपड़े में ला कर दे देती है, बेटा खा लेता है। उसी तरह वो भगवान को अपना बेटा मानती है, मेरे लाला है, इसलिए इसलिए माँ ये सब चीज नहीं देखती है, है? वो प्रेम के भूखे भगवान हमें भावना को द्वारा कौन खिलाती है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मंत्र बढ़िया मंत्र तंत्र को द्वारा एकदम शुद्ध होकर के बढ़िया से करो, लेकिन भक्ति हृदय में भक्ति नहीं, ठाकुर जी उसका वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अपवित्र होने पर भी, लेकिन अगर प्रभु का प्रति तुम्हारी भक्ति की भावना हो तो ठाकुर जी प्रेम से उसको ठाकुर जी खा लेते हैं, इसलिए ग्रहण करें। तार प्रदत्त आतप तंडुलेर पाचित घृत संयुक्त अर्ण नानाविध व्यंजन प्रवृत्ति भगवान प्रति आकर्षण करते पारे ना। यहाँ पर कह रहे हैं जो अभक्त है लेकिन विद्वान है, पंडित है लेकिन भगवान की प्रति भक्ति नहीं, कि तार प्रदत्त आतप तंडुलेर पाचित है, आतप मतलब होता है जो चावल, दो एक सिला चावल और एक आतप चावल है, कहते वो चावल क्या क्या तरह तरह का घृत युक्त घी डाल करके बढ़िया चीनी घी डाल करके बढ़िया उनका पुष्पा मीठा चावल बनाते ना, ये बढ़िया घी अन्न दे करके और तरह तरह का व्यंजन व्यंजन समझते हो, तरह तरह का भाजी भूजी सब्जी तरह तरह का इसको बना करके भगवान को भोग देने पर भी वो भगवान को आकर्षण नहीं कर पाता है, क्यों? उसके हृदय में भगवान प्रति भावना नहीं, भक्ति नहीं। किंतु भगवत सेवन मुख भिखु कह रहे हो जे कौन रूप अर्ण जे कौन प्रकार प्रदत्त होना के न भगवान तहा प्रीति भावे ग्रहण करिया था के, लेकिन अगर किसकी भावना भगवान के प्रति सेवन मुखी प्रीति है, सेवा करने की भावना है, ठाकुर का प्रति प्रीति भावना युक्त ठाकुर जी का प्रति, कहते वो भिखु होने पर भी भिक्षा मांगने पर भी भिखु गए हैं, भीख मांगने वाले हर कुछ है नहीं लेकिन हृदय में भक्ति है ठाकुर जी का प्रति है, इसलिए सुदामा जी द्वारका में लेकर गए, क्या लेकर गए? चिड़वा लेकर गए, भगवान के ऐश्वर्य देख करके ठाकुर की ठाड़ बाड़ देख करके कितने हजार दास दासियां सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी स्वर्ण के सिंहासन क्या चमक दमक, अर्जुन ने चिड़वा लेकर गए ना, हे भगवान चिड़वा लेकर गया ठाकुर पेट खराब हो जाएगा इसमें है, ठाकुर जी इतने बढ़िया बढ़िया छापान भोग 36 व्यंजन खाते में दुख तो दुख कैसे, लेकिन ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं, ठाकुर समझ गए ये तो लाए मेरे लिए, लेकिन उनका हिम्मत नहीं हो रही देने के लिए, बोले भाभी ने कुछ भेजा नहीं, बोले नहीं, बोले तू ये बगल में क्या दुआ कर रखे हो, बोले नहीं कुछ, बोले ना कुछ लगता है, ठाकुर जी क्या किया खेच लिए, ठाकुर जी निकाल लिए, निकाल कर पुटला खोले, एक मुठ्ठी खाए दो मुठ्ठी खाए है तीसरे मुठ्ठी खा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पड़ गया और बहुत हो गया है, उनको पता है अगर भक्तों का कोई द्रव्य ठाकुर ग्रहण करते ना उसको विनिमय ने, बोले प्रभु ये दो मुठ्ठी में ना त्रिभुवन का राज्य आपने दे दिया उनको, तीसरी मुठ्ठी खाओगे तो अभी जो लक्ष्मी उसके घर में दासी बन जाऊंगी, इसलिए प्रभु और नहीं और तुम ग्रहण मत करो है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई भिक्षुक हो भीख मांग कर खाने वाले हो लेकिन अगर भक्ति पूर्वक अगर उनको कोई वस्तु प्रदान करते हैं भगवान उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो भक्ति युक्त भावना, चैतन्य महाप्रभु का लीला गाता है, एक भक्त था, एक भक्त ने भगवान के लिए बनाया क्या घी अन्न, अन्न में घी डाल करके बड़े सुंदर जैसे घी अन्न बनाते हैं ना, उसमें जैसे पुष्पान्न बनाते हो जैसे घी डाल कर अन्न बनाया, अन्न बना करके उसने इतने भावाविष्ट हो गया, इतने भावाविष्ट हो गया है मुरारी, इतने भावाविष्ट हो गया उसको लेकर के, इतने भावाविष्ट वो अन्न को लेकर के ना जहाँ पात्र से लेकर खाओ खाओ ढाओ खाओ एकदम तो भाव से ठाकुर को खिला रहे, ठाकुर को खिला रहे प्रेम का वस्तु, ठाकुर खाते ठाकुर खाते जा रहे, ठाकुर खाते जा रहे, लेकिन नियम क्या है खाने के बाद पानी देते हैं, वैसे पानी देते हैं पानी देते हैं, खाली मतलब पानी देनी चाहिए, लेकिन वो प्रेम से भगवान को खिला खिला करके इतने खिलाया घी अन्न, लेकिन पानी देना भूल गया,
पानी देना भूल गया तो दूसरे दिन महाप्रभु आए, बोले मुरारी तुमने मेरे को क्या घी और ना इतना खिलाया, लेकिन मेरे पेट में तो अपच हो गया, मेरे पेट में अपच हो गया क्योंकि तुमने मेरे को अम्ल हो गया, अपच हो गया, तुमने पानी नहीं पिलाया मेरे को, घी और ना तो खिलाया मेरे को नहीं, हमें पानी पिला नहीं, खाने के बाद पानी पीते है ना, है नहीं तो पचेगा कैसे, कहते अम्ल हो गया मेरे को पानी तो, बोले कब खिलाया, बोले याद नहीं कल तुम्हें को घी और ना खाते लो खाओ खाओ, अगर भक्त अगर मेरे को भावना से कोई चीज देता है मेरे को तो लेना ही पड़ता है, मेरे को लेना पड़ता है, लेकिन उसको बाद में पानी पिलाना चाहिए, तो पानी तुमने नहीं पिलाया, पानी दो पानी ले आओ, फिर उन्होंने पानी ला करके महाप्रभु को पानी प्रदान किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान प्रीति पूर्वक अगर भगवान को कोई वस्तु ग्रहण करे तो ठाकुर जी वो वस्तुओं को ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। कभी ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बोले वैकुंठ वस्तु थे हमारे विश्वास है ना कहना है, कहते जो वैकुंठ वस्तु मतलब भगवत 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 युक्त जो वस्तु है, भगवान धाम युक्त जो वस्तु है, अप्राकृत जो वस्तु है, भगवत संबंध जो वस्तु है, वैकुंठ वस्तु में उसमें हमारे विश्वास क्यों नहीं होता है, लेकिन साधारण चीज में विश्वास हो जाता है, कोई हीरो कोई बात बोलते ना विश्वास हो जाएगा, कोई हीरोइन कोई बात बोलते उसको विश्वास हो जाएगा, कोई साइंटिस्ट कोई बात बोलते हमारा विश्वास हो जाता है, हैं कोई नेता कोई बात बोलते विश्वास हो जाता है, लेकिन अगर शास्त्र कोई बात बोलता है ना भगवान उसमें हमारा विश्वास नहीं होता है, हैं लेकिन देखो ना जो फिल्म आता है ना क्या है झूठा ही ना, एक झूठे चीज पे एक रूप दिया और तो कुछ नहीं, जो फिल्म फिल्म आती है क्या झूठा चीज है ना, वो सच थोड़ी है, वो झूठे चीज का रूप तीन तीन देखो ना फाड़ फाड़ कर बैठे थे तीन तीन घंटा उसमें, फिर पैसा दे करके है, फिर फिल्म हॉल में जा करके उल्टा पुल्टा चीज को तीन तीन घंटा अगर टिकट नहीं मिले तो ब्लॉक में फिर खरीदी करेंगे हैं, और वहां पर बैठ बैठ कर देख करके आएंगे बुद्धि को खराब करेंगे, लेकिन हमारी गीता भागवत पुराण जो भगवत वस्तु संबंधी बात करता है उसमें हमारा विश्वास नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर किसने प्रश्न किया बोले वैकुंठ वस्तु ते हमारे विश्वास है ना के न, जो भगवत संबंध जो वस्तु में हमारे विश्वास क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर देते हैं बोले महापापी लोग वैकुंठ वस्तु ते विश्वास है ना, बोले किसको विश्वास नहीं होता है, बोले जो महापापी लोग है उनको विश्वास नहीं होता है, हैं इसलिए कृष्ण गीता में भी कृष्ण कहते हैं है? कहते न माम दुष्कृत न बूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायाम अपरहृत ज्ञान असुर भावासक्त, कृष्ण गीता में कहते चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करते हैं और चार ही तरह का व्यक्ति मेरा भजन नहीं करते हैं, है? तो अर्जुन ने पूछा प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरा कौन भजन नहीं करता है, कौन भजन नहीं करता है तुम्हारे, बोले न माम दुष्कृत न, जिसकी पूर्व पूर्व जन्म में जो पाप कर्म करके आए, दुष्कृत मतलब जो पाप कर्म करके आए वो मेरे भजन नहीं करेंगे, बोले जो व्यक्ति वो जो दुष्कृत संपन्न जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति वो मेरा भजन नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को मानेगा तो पंडित, लेकिन कृष्ण कहते वो सबसे बड़े मूर्ख है, पंडित मानते नराधमा, जो नरों में इंसान में जो सबसे जो गिरे हुए व्यक्ति जो अधव व्यक्ति है, मायायाम अपरहित ज्ञाना, जब माया जिसकी पूरा बुद्धि विवेक को संपूर्ण हरण कर लिया है, अपरित आसुर भाव आश्रित जिस संपन्न लोग, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना दो तरह का व्यक्ति, एक राक्षस एक देवता, राक्षस का क्या परिचय है, जो मेरे भजन नहीं करता है, मेरे को जो भक्ति में विश्वास नहीं, बोले देवता बोले जो मेरे को भक्ति करते हैं वही देवता, जो भजन नहीं करते हैं वो राक्षस। इसलिए रावण का दो सिंह नहीं था, विभीषण का सिंह था नहीं और उसका दो सिंह था, ऐसे थोड़ी विभीषण का स्वभाव से क्या पता चलता है, भगवान की भक्त है और स्वभाव से पता चलता है। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान की है, भगवान की वैकुंठ जो महापापी है उनको ये वस्तु का प्रति विश्वास
नहीं होगा। कहते पाप मलिन चित्त निर्मल वस्तु थे विश्वास स्थापन करते पारे ना। कहते उनको विश्वास नहीं होने का कारण क्या है? बोले उसका कारण है, कहते पाप मलिन चित्त, उसका जो चित्त है वो पाप को द्वारा मलिन हो गया, गंदा हो गया है, हैं? कहते होने का नाते कहते जो वैकुंठ जो वस्तु में भगवत वस्तु उसको विश्वास नहीं होने देता है। ताही महाभारत और स्कंद पुराण बोले, इसलिए महाभारत और स्कंद पुराण गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सल्प पुण्यं पतंग राजन विश्वास नहीं। पुण्यम जिनका पुण्य कम है, हैं? सल्प पुण्यं पतंग राजन, राजा के लिए राजा कहते हैं, विश्वास नहीं बजायते, इनका विश्वास नहीं होगा। जिनका पुण्य कम है, मतलब कौन सा वस्तु हमें, कहते पहला नंबर है अर्ण ब्रह्म महाप्रसाद, महाप्रसाद है जो भगवान को भोग लगता है, देखने के लिए क्या लगेगा, वही अर्ण दाल चावल सब्जी यही तो लगेगा ना, है? लेकिन लेकिन वो जो भगवान को प्रति अर्पण हो जाता है, फिर वो अन्न दाल चावल नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं, प्रसाद, उसको महाप्रसाद इसको कहते हैं, हैं? क्योंकि भाई ठाकुर का अर्पण हो गया। अब देखना जब आप बचपन में होते थे ना, कुछ 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 व्यक्तियों का जो नजर बहुत बुरा नजर होता है, जैसे आप कोई खाना खा रहे हो, अगर उसने बुरे नजर भोग दृष्टि से देख लिया ना, अगर आप उसको खा लो तो तुम्हारे पेट खराब हो जाएगा, पेट में दर्द, हमारे गाँव में ऐसे होता था, कुछ कुछ लोगों का ऐसे नजर, इसलिए कहते थे देखो भैया सबको सामने हर चीज मत खाया करो, हैं? पर नहीं, जब कोई चीज खा रहे हो सब लोग जो वस्तु खा रहे हैं वही वस्तु खानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, खाने के प्रति बुरा नजर बढ़ता है, करने पर क्या कुछ खा लोगे ना पर पेट खराब हो जाता है, पेट दर्द, फिर हमारे उड़ीसा में डर, फिर नमक और मंत्र को तो करके फिर उसको पीते थे। इसलिए जब साधारण व्यक्ति अगर बुरे नजर से कोई चीज को देखे, जब वो वस्तु उसमें अफेक्ट होता है, जिसको भगवान को सामने रख दिया, ठाकुर जी अपना दिव्य दृष्टि से इस चीज को ठाकुर जी ने ग्रहण किया है, फिर बताओ वो वस्तु में कितना शक्ति नहीं होगा, वो वस्तु में कितने शक्ति वो वस्तु में नहीं होगा। इसलिए भगवान का जो प्रसाद है वो साधारण वस्तु नहीं, भगवान को अर्पित तो हो गया तो भगवान उसको ग्रहण करते है, उसका नाम क्या प्रसाद हो जाता है। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक आश्चर्य चीज, जब जगन्नाथ जी के लिए जब प्रसाद भोग लगता है, लोग ले जाते हैं जगन्नाथ जी को भोग लगेगा और उनको सामने रखते हैं, प्रसाद को रख करके एक शीशा सामने रख लेते हैं, शीशा में क्या होता है, जगन्नाथ जी का जो जो तस्वीर फोटो अपने आप उसमें रिफ्लेक्शन होता है, अगर उसमें रिफ्लेक्शन होगा तो पता चलता है ये वस्तु जो बना हुआ शुद्ध शुद्ध रूप में बना हुआ है, उससे अपने आप फोटो उसको ऊपर गिरेगा, फिर पुजारी क्या करेगा, तुलसी पानी तुलसी लेकर के फिर उसको ऊपर में छिड़काव देकर जगन्नाथ जी को भोग लगाएगा, हैं? भोग लगाएगा जगन्नाथ जी को, आश्चर्य की चीज है, जगन्नाथ जी को भोग लगते ही, हैं? उसको पहले कुछ चीज में कोई सुगंध नहीं रहता है, खाने में कोई सुगंध नहीं होगा, लेकिन जब जगन्नाथ जी को भोग लग जाएगा ना, पता नहीं उसमें एक दिव्य सुगंध अपने आप आने लग जाएगा, बड़े दूर तक अगर वो प्रसाद कोई ले जा रहा है ना, यहाँ से हवा अगर उधर से आएगा वो पता चल जाएगा जगन्नाथ जी का प्रसाद जा रहे, जगन्नाथ जी का प्रसाद जा रहे, और वो प्रसाद की इतने महिमा होता है। कभी कभी हमारे गांव में क्या करते करते हमारे बहुत पाँच छः सात जगन्नाथ मंदिर से 5-6 किलोमीटर दूर हमारे गांव में क्या करते थे लोग, लाते थे गांव में प्रसाद, कभी अगर रात में जैसे टोकरी में लेकर के आएगा ना, कभी कभी देखते घर में आकर प्रसाद लेंगे, बोले कहा क्यों, रास्ता में भगवान का जो भोग लगता है वहां प्रसाद हो जाता है, जो भूत प्रेत होते हैं ना जब वो प्रसाद को खा लेते उनको उद्धार हो जाता है। हमारे देश में जैसे पिंड देते हैं ना, पिंड जगन्नाथ जी प्रसाद को उद्धार देते हैं, देखने से क्या होगा, वो व्यक्ति उद्धार हो जाता है, भगवान का प्रसाद पाते ही उसकी प्रेत जो नीचे उसको उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता में प्रेत खा लेते हैं, घर में आते हैं प्रसाद ही नहीं, वो सर पर डोकर के लाते थे, घर में आकर देखते प्रसाद ही नहीं, उसको भूत प्रेत खा जाते थे। और वहां पर जगन्नाथ मंदिर में जब जगन्नाथ को भोग लगता है, हैं? वहां पर एक व्यक्ति बहुत बड़ा जो करता लगा ना इतने, अब कभी जाओगे तो देखोगे एक व्यक्ति देखोगे इतना ही, वो तो छोटा है, वो इतना बड़ा लेकर के, हाँ लेकर के
पूरा जगन्नाथ मंदिर में चार तरफ में घूमता है, व्यक्ति को देख कभी जाओगे कभी देख नजर लगा कर देखना जगन्नाथ जी के जो भोग हो जाते हैं। इस बार मैंने देखा, पहले मैं ध्यान नहीं देता, तो हमारे जो बोधाय ने महाराज जो बोले तो एक दिन सचमुच पिता ध्यान नहीं दिया, इस बार जो गया देखा सचमुच वो व्यक्ति पूरा मंदिर के चारों तरफ देख सके नहीं, देखा है इतना बड़ा बूढ़ा एक बूढ़ा आकर के ऐसे ऐसे लगा करके पूरा उसको घूमेगा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को चारों तरफ में है ना वो 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं। किस लिए? बोले जगन्नाथ जी के प्रसाद को पाने के लिए, विमला स्वयं शंकर स्वयं सारे 33 करोड़ देवता बैठे हुए। और जैसे जैसे ठाकुर को भोग लग जाता है ना, हमारे मंदिर में देखना बेल बजाते ना घंटा बजाते हैं, सबको पता चल जाता है भैया प्रसाद का समय हो गया, उसी तरह जगन्नाथ जी को भोग लगा, इसलिए इतना बड़ा लेकर घूमता है बजाता है, मतलब सारे देवता को निमंत्रण देता, आ जाओ जगन्नाथ प्रसाद कृपा लिए, आप सारे देवता आओ और जगन्नाथ का प्रसाद पाओ, फिर सारे देवता लोग आकर के वो प्रसाद को ग्रहण करते, माँ देवी स्वयं हैं, जब जगन्नाथ की भोग लग गया वो मेन प्लेट शुद्ध देवी को पास में जाएगा, वो स्वयं देवी प्रसाद पा करके उसके सामने जितने लोग खड़े हुए होंगे उसको प्रसाद सबको देते हैं, क्योंकि कैलाश छोड़ करके उन्होंने मरते जगत में आई केवल भगवान की प्रसाद को पाने के लिए, इसलिए यहाँ पर कहते पहला नंबर क्या, बोले भगवान का जो प्रसाद, इसलिए भक्तमोहन ठाकुर क्या कहते हैं, कहते प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, इसलिए भगवान की प्रसाद ग्रहण करने से, इसलिए नियम क्या है, जैसे प्रसाद प्रसाद पाते हैं ना, इस चीज को याद रखना, हमारे गुरु जी कहते थे जब प्रसाद जब आता है ऐसे नहीं प्रसाद आए और भोजन करने लगे, नहीं नियम है पहले जो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुन्नंग बतंग राजन विश्वास नैव जायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहि काल जीव फले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोभमय सुधर्मती ताके जीता कठिन संसारी, इसको बदना कर क्यों, भगवान कृपा करके हमारा जो इंद्रियां है इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जब हम भगवान की प्रसाद ग्रहण करते हैं हमारे इंद्रियां अपने आप संचित हो जाता है अपने इंद्रिया, इसलिए भगवान कृपा करके महाप्रसाद भगवान ने दिया है, हैं इसलिए कृष्ण बड़ा दयामय करीवार जीवा जैसा प्रसाद अन्न दिलवाई सही अन्न अमृत पाव राधा कृष्ण गुण गा प्रेम चैतन्य देता है, इसलिए भगवान के प्रसाद ग्रहण करने से क्या होता है हमारे इंद्रिय दमन हो जाता है, मन अपने आप कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे भगवान का प्रसाद खाओगे ये मन अपने आप भगवान के भजन में लगता है, इसलिए इसलिए प्रसाद इसलिए हम लोग खाना नहीं कहते, साधारण लोग कहते हैं खाना खाओ, लेकिन हम लोग खाना नहीं खाते प्रसाद सेवा करो, ये भगवान की अभिन्न प्रसाद भगवान अभिन्न क्या करो सेवा करो, मतलब हम भोजन नहीं कर रहे, ये भगवान की अधरामृत है, ये अधरामृत को हम क्या कर रहे हैं अध्यात्मिक को हम ग्रहण कर रहे हैं, किस लिए, ये शरीर धारण करने के लिए शरीर रहेगा तो ठाकुर को सेवा करेगा ना, ये सेवा है, यहाँ प्रसाद सेवा हम कहते हैं, प्रसाद को सेवा कहते हैं, इसलिए कहते पहला नंबर है अर्ण ब्रह्म महाप्रसाद, बोले दूसरा चीज क्या है, बोले शिला ब्रह्म दारू ब्रह्म भगवत विग्रह, जैसे शालग्राम है, हैं जैसे ठाकुर जी है, इसलिए जो ठाकुर जी है हम जो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं वो ये मत समझो शिला शालग्राम है, हैं मत समझो ये पत्थर है, जैसे ठाकुर जी बैठे हैं, हैं ठाकुर जी ये मत समझो ये साधारण ये अष्ट धातु से बना हुआ, बोले नहीं महाप्रभु कहते हैं विग्रह न तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनको विग्रह कहते हैं ना ठाकुर को विग्रह, विग्रह मतलब क्या, बी मतलब विशेष पूर्वक, ग्रह मतलब हमारी सेवा को जो विशेष पूर्वक जो ग्रहण करते हैं, इसलिए ठाकुर जी ये विग्रह रूप में क्यों जगत में आए, कारण क्या है, बोले कारण है भगवान जीव को पर कृपा करने के लिए, एक दिन नारद जी इस जगत में आए और सब व्यक्तियों को पास में गए पूछे सब ठीक ठाक हो, ऊपर से तो कुंडी हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना जगत में कोई राइट नहीं, सब रंगे, किसी को भी इन्होंने राइट नहीं देगा, सब दिखा रहेंगे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पर दुखी दुखी, जब वैकुंठ में गए ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, महालक्ष्मी सेवा कर रही है, देवता लोग स्तुति कर रहे, बोले प्रभु दुनिया को तुमने बना दिया,
और यहाँ आप आनंद ले रहे हो, दुनिया में जीव दुख कष्ट पा रहे हैं। बोले क्या करनी चाहिए? बोले जब तक जीव तुम्हारी सेवा नहीं करेगा तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता, इसलिए अब थोड़ा आप नीचे आओ। बोले तो बैकुंठ में हो? बोले बैकुंठ को नहीं जानता, चलो नीचे उतरो। बोले रमा बैकुंठ? बोले कौन उसे दिखा है? बोले स्वर्ग में। बोले स्वर्ग में किसने देखा है? बोले सभी का हृदय में बैठा। बोले किसने देखा, किसको अनुभूति है? एकदम नीचे आओ। तब बोलने पर ठाकुर जी जो गोपाल रूप में, ठाकुर जी रूप में हम दर्शन करते हैं, नारद जब बोलने पर भगवत सेवा है। इसलिए हमारे संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, इतने प्रमाण। ठाकुर जी तो साखी गोपाल तो चलते चलते कहा वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक चलते चलते आ गए भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए है। इसलिए अभी कथा सुन रहे थे ना सनातन गोस्वामी, साक्षात मदन मोहन कहते हैं जब उनको बगैर नमक के टिकिया लगाए, बोले तू तो सब्जी देता ही नहीं, अर्थात नमक तो दिया करो, गले से नीचे नहीं उतरता है। बोले आज नमक मांगो कल सब्जी मांगो, बोले तो दूध व्यवस्था करता हूँ, राबड़ी होनी चाहिए, इतना मलाई होनी चाहिए, कहाँ से लाऊं भैया? ऐसे होश नहीं, हो ही नहीं सकता है, अपने आप व्यवस्था कर लो। भगवान बात करते थे भक्तों के साथ है। हमारे संप्रदाय में तो कितने प्रमाण है, विग्रह साक्षात रूप में भक्तों से बातचीत करते थे हैं, खेलते थे ठाकुर के साथ में, मदन मोहन स्वयं खेलते थे सदना के साथ में, हाँ उसके साथ में खेलते थे। सनातन गोस्वामी बात, रूप गोस्वामी बात करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी बात करते थे, राधा रानी स्वयं आकर खीर बनाती भक्तों के लिए। इसलिए इसलिए जो विग्रह हैं ये साक्षात भगवान है, लेकिन वो बात करते हैं। इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं मैया जसोदा जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं बोले ब्रज गोपियां जैसे नचाते नहीं। उड़ीसा गए हो? पुरी गए? कौन कौन पुरी गए? अलरनाथ दर्शन किए? अलरनाथ को देखा कि नहीं? देखा ना अलरनाथ को? हम महाप्रभु जाकर के जो 15 दिन रहते थे, जब उसको पिताजी बाहर गए और बेटे को बोले तो भोग लगाना, जब पहले भोग लगा ठाकुर खाए नहीं, बोले पिताजी बोले आपको खाना खिलाना चाहिए ठीक से, आप क्यों भोजन नहीं कर रहे हो, खाओ नहीं तो पिताजी उनको डांट लगाएंगे, शासन करेंगे। तभी ठाकुर जी उतर कर भोजन नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी भोजन जब उन्हें बहुत प्रेम से बोले, ठाकुर जी रोज आकर ठाकुर जी से खाना खाते थे, तो उनने खाली प्लेट लेकर मैया को दिया, मैया बोली भैया प्रसाद कहा है? बोले ठाकुर तो खा लिए, ठाकुर खा लिए। मैया को लगा हो सकता है बच्चा है ना, ठाकुर को भोग लगा खा लिया, कोई बात। दूसरे दिन जब भोग लगाए, दूसरे दिन भोग लगाए तो फिर खाली पेट बोले बेटा खाना कहाँ है? बोले ठाकुर तो पहले दिन खा ही नहीं रहे थे, तो रोने लग गया, पिताजी मेरे डांट लगाए कि अच्छे बोले ठाकुर को ठीक से भोग लगाना, इसलिए ठाकुर जो मुझे ठाकुर खा ली। भैया अब तो बड़ा आश्चर्य, ये क्या हो रहा है? तो उसको पिताजी आए कुछ दिन बाद में, बोले ऐसी बात? बोले हाँ, बोले ठीक है मैं देखता हूँ। बोले उसको बोले तू भोग लगा, और उसने ठाकुर को पीछे जाकर बैठ गया चुप करके पिताजी, और जो बेटा ने जाकर के भोग लगाया ठाकुर जी खाए नहीं। ठाकुर जी खा लो, रोज खाते क्यों नहीं खा रहे हो? ठाकुर जी स्वयं कह रहे बोले बेटा तेरे अंदर में भक्ति भावना है, इसलिए मैं तेरे हाथ से ग्रहण करता था, लेकिन तेरे पीछे तेरे पिताजी मेरे पीछे छुप कर बैठे थे इसलिए तेरे हाथ से नहीं खाता, खाना मैं खा रहा हूँ। इसलिए ठाकुर जी के शरीर में देखोगे कभी उनको गर्म खीर भोग लगाए ना, गर्म खीर एकदम छठ ठाकुर जी हाथ डाल दो उनका हाथ में फोगला पड़ा हुआ है, मुंह में डाल दो यहाँ पर फोगला पड़ गया, और वो खीर छाती में गिरा तो छाती में भी फोगला पड़ा हुआ ठाकुर, तीन जगह पे फोगला पड़े ठाकुर जी। तो ठाकुर गोपीनाथ जी खड़े थे, गदाधर पंडित जब वृद्ध हो गए सेवा नहीं कर पाए, ठाकुर जी बैठे गए, मैं बैठ ही जाता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दूसरा नंबर क्या है, बोले शिला ब्रह्म दारू ब्रह्म भगवत विग्रह, जो भगवान का जो विग्रह है वो साक्षात भगवान। तीसरा शब्द ब्रह्म हरि नाम, जो हम भगवान की जो हम नाम जब करते हैं कहते भगवान हरि से बड़ा हरि का नाम, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम, भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं। यही नाम जब करते करते एक दिन नाम ही स्वयं नामी बन करके हमें दर्शन प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु, बल्कि हरि से हरि का बड़ा हरि का नाम। इसलिए जो पुल बन रहा था काम कर लग, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न वस्तु है भगवान का नाम, इसलिए कहते भगवान का नाम और नर ब्रह्म वैष्णव गुरु
और दूसरा जो वैष्णव लोग और जो गुरु जी, ये लोग क्या है, भगवत अभिन्न, भगवान के हृदय में निवास करते, इसलिए बोले जिनका काम पुण्य है ये चार वस्तु में उनको विश्वास नहीं होगा। बोले लेकिन विश्वास होगा किसको, बोले जिनको करोड़ों जन्म नाम, बहु जन्म नाम, बहु नाम जन्म नाम मानते, जिनके करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय होगा तभी ये वस्तु का जीवन में तभी विश्वास होता है, नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास है ना। वर्तमान काले हमारा ये चतुर्विध वैकुंठ वस्तु ते विश्वास हराया जी बोलिया नाना विध अनर्थ हमारे के ग्रास कर जी, बोले तरह तरह का अनर्थ पाप हमको क्यों ग्रास कर रहा है, कदि चार वस्तु में हमारा चुका विश्वास नहीं है, इसलिए तरह तरह का दुख और कष्ट, तरह तरह का हमारी ये अनर्थ ग्रास, महाप्रसाद गोविंद नाम गुरु ये चार वस्तु, विष्णु वस्तु, ये जो चार वस्तु साक्षात भगवत स्वरूप है, किंतु मायार जगते आसिया हमारा ये विश्वास हरा है, इसलिए हम ये चीज को विश्वास खो गया है, चूंकि इसी जगत माया जगत, इसी माया जगत में आने के नाते, माया का द्वारा आबद्ध होने के नाते ये वस्तु में हमारे विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मियत अन्याय थी माया जहाँ द्वारा मापा जाए तहर नाम माया, क्योंकि हमारे जो बुद्धि माया को द्वारा बसी हुई, तो मतलब क्या, हम अपना जड़ बुद्धि को द्वारा भगवान को अपना चाहते हैं, लेकिन हम ये जड़ बुद्धि से माया को भगवान को नहीं माप सकते, हम क्यों विश्वास नहीं होता, हम जड़ बुद्धि है ना, और इसको द्वारा वो अप्राकृत वस्तु है ना, दिव्य वस्तु, हम ये जड़ बुद्धि को द्वारा उसको जानना चाहते, बोले जड़ बुद्धि से उनको तुम नहीं जान सकते हो, इसलिए किंतु ये चार वस्तु मापिया लय वाला वस्तु न है, लेकिन जो चार वस्तुओं को हम माप नहीं सकते हैं, इसलिए गोविंद स्वतः प्रकाश वास्तव वस्तु अन्य आलो जालिया था कि देखा आ जाए ना, भगवान क्यों नहीं जान सकते हैं, बोले वो स्वयं प्रकाशित वस्तु है, अगर हम सोचे हम कुछ लाइट जला करके भगवान को देख लेंगे, ये जो जड़ लाइट ही है उसको दिखा नहीं सकता है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय सु विलोक है, तो उनको कब दर्शन कर सकते हैं, जब अपना आंखों में प्रेम रूपी काजल हम लगाएंगे तभी उसको द्वारा ही भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं, इसको द्वारा नहीं दर्शन कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान अधोक्षज, अधोक्षज मतलब हमारे जड़ इंद्रियों को नीचे करके उसको ऊपर जो विद्यमान है, हैं इसलिए परात पर वस्तु परम हितकारी दिव्य ज्ञान दाता वैष्णव राज श्री गुरुदेव हमारे कई वास्तव सत्य गोविंद कथा जाना है, कहते ये चीज को हमें कौन जना सकते हैं, कहते गुरु वैष्णव है, गुरु वैष्णव का कृपा होने पर जब उनकी हम चरण में शरणागत होते हैं, होकर जब उनको भजन करेंगे, फिर गुरु वैष्णव कृपा से ही हमें वो वस्तु का हम जान सकते हैं, इसलिए हमें ये चार वस्तु वैकुंठ वस्तु में इसलिए हमारा विश्वास नहीं होता है, ठीक है, इतना ही, गौर ब्रह्मानंदे पंचाकल उत्तरवश्य कृपा सिंधु वैभच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे।
गुरुवार की जय सब प्रसाद गौर हरि की जय।